समझे बच्चों? जी मास्टर जी। आ जाओ मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी मास्टर जी पर। और आज की कक्षा में हम हैं खास करके क्लास 9 के दोस्तों के लिए। टॉपिक है उनका रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स के अंतर्गत रेशनल, इरेशनल सारे नंबर्स आ जाते हैं। और जहाँ तक डेफिनेशन की बात है तो ये हो सकता है कि रियल नंबर्स क्या है, तो रियल नंबर्स को हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है सो नॉन नेगेटिव नंबर हो। यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर भी निगेटिव होता है तो फिर इमेजिनरी नंबर हो जाता है वो। तो ये बात हो गई कि उनका डेफिनेशन ये हो सकता है। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और हम लोग देखते हैं खास करके ये 5 पॉइंट के अंतर्गत। एक छठा पॉइंट भी है इधर मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन में, तो हम देख लेते हैं कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ, सम एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, सब मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज। तो एडिशन प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज को देखते हैं थोड़ा सा अलग अलग करके हम लोग। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो एक तो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का अर्थ है दोस्तों कि संवृत्तता का गुण। संवृत्तता का गुण का मतलब कि कोई संख्या जिस सेक्शन से, जिस समूह से बिलोंग करती है, अगर उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होती है तो उसके बाहर रिजल्ट नहीं जा पाता। जैसे फॉर ऑल देख रहे हैं लिखे हम लोगों ने कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब कि ए और बी कोई दो रियल संख्याएं हैं, कोई वास्तविक संख्या है, और ए और बी को जोड़ दें तो उनका जोगफल भी जो होगा वो भी जो होगा सो रियल होगा। और ऐसा हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। रेशनल के केस में देखा है हम लोगों ने, और इरेशनल के केस में भी सही है कि वो रियल संख्याएं हैं, उनको जोड़ेंगे तो रियल से बाहर वो नहीं जाएंगे। इसका मतलब उनका एडिशन भी जो है सो रियल ही होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स इन एडिशन। और मल्टीप्लीकेशन में भी वही केस है, मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोजर लॉ फॉलो होता है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब कि दो संख्याएं अगर वास्तविक संख्या है तो उनका गुणनफल भी वास्तविक ही हो। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन के अंतर्गत, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दो संख्याओं को, दो वास्तविक संख्याओं को अगर क्रम बदल के हम जोड़ देते हैं तो उनके योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस लॉ को हम लोग या इस रूल को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिविटी ऑफ रियल नंबर्स के नाम से जानेंगे, या कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानेंगे। इसी तरह से सेम कंडीशन है फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी दोनों ही रियल नंबर हैं, तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। यानी उनके संख्याओं के क्रम को बदल के गुना कर दें तो भी उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग कहेंगे गुना के लिए कम्यूटेटिविटी, यानी क्रम विनिमेयता का गुण। तो ये दो रूल, दो नियम ये शो करते हैं संख्याएं रियल नंबर्स। एक तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है एसोसिएटिविटी का है, सहचर्य का गुण लोग प्रदर्शित करते हैं। सहचर्य गुण का प्रदर्शन होता है, सहचर्य गुण का क्या है भाई? तो अगर ए बी सी अगर तीन संख्याएं हैं और तीनों को जोड़ना है तो पहले दो को जोड़ के तीसरी को जोड़ दें, या फिर बाद वाले पहली में बाद वाले दोनों को जोड़कर जोड़ दें तो उनके योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो दिस इज द एसोसिएटिविटी ऑफ रियल नंबर। और ठीक इसी तरह से अगर तीन संख्याओं को गुणा करना हो रियल नंबर्स को, तो उनको आपस में गुणा करने की पहली दो को गुणा करके उसमें तीसरी को गुणा करें, या फिर पहली में बाकी दो को गुणा करके गुणा करें, तो भी उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसको गुणा के लिए हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, एसोसिएटिविटी ऑफ रियल नंबर्स इन मल्टीप्लीकेशन। तो तीन ये रूल हो गए। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी,
और ये एक महत्वपूर्ण नियम है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि उस संख्या में किसी ऐसी संख्या से जोड़ कि वह संख्या में कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें वह संख्या अपने अस्तित्व को बनाए रखे। तो फॉर ऑल रियल नंबर्स जीरो एक ऐसा एलिमेंट है, जीरो एक ऐसा नंबर है कि उसको किसी भी संख्या में जोड़ दें तो योगफल वही संख्या हो जाती है। इसका मतलब कि ए में जीरो जोड़ दें या जीरो में फिर ए जोड़ दें तो हर बार जो है वो रिजल्ट हमारा ए ही होता है। और एवरी ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक संख्या ऐसी है जो किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या रहती है। तो वैसी कौन सी संख्या हो सकती है? वैसी संख्या हो सकती है जीरो इन केस ऑफ एडिशन। और उस तरह से जीरो को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे तो कौन सा कहेंगे? तो एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, जोड़ तत्समक, योग तत्समक इसको कहेंगे, जोड़ का तत्समक अवयव। और वो कौन सा है? तो जीरो होता। अब मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में क्या होता है? तो क्या वैसी कोई संख्या है कि जिसको ठीक उसी में गुना करेंगे तो वो संख्या वही हो जाएगी? जैसे ए में किस संख्या से गुना करेंगे कि ए ही रह जाएगा, तो स्पष्ट है कि वो संख्या एक है। इसका मतलब है कि गुना के संदर्भ में एक जो होता है सो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, इसको कहते हैं हम लोग गुण तत्समक। तो वन जो है सो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वेयर एज जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ये दो तरह के एलिमेंट होते हैं, जोड़ के लिए जीरो और गुना के लिए एक। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है? तो इसको प्रतिलोम बोलते हैं हिंदी में। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब हो गया कि कोई संख्या ए है, रियल नंबर है, उसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि हमको उसका योग जो है सो एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। यानी एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा? तो जीरो। तो ए में कितना जोड़े कि जीरो आ जाएगा, पांच में कितना जोड़ दें कि जीरो आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इट्स माइनस ए, और माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो माइनस ए, ए प्लस माइनस ए और आइदर माइनस ए प्लस ए बोथ गिव द रिजल्ट जीरो। सो बोथ गिव एडिटिव आइडेंटिटी। सो व्हाट इज माइनस ए? माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। वेयर इज, और इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब हम बात करेंगे, और एवरी ए बिलोंग्स टू आर, कोई ऐसी संख्या है जिसको ए में गुना करेंगे तो वन मिल जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो यस इट्स ऑफकोर्स वन बाई ए, और इट्स ई सेड, इट इज सेड रेसिप्रोकल ऑफ ए। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल बोथ टर्म्स आर यूज्ड। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वन बाई ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, और ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वन बाई ए, वाइस वर्सा, बोथ आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर टू इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिव द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये दोनों गुना करने पर आइडेंटिटी हमारा मिल जाएगा। सो देयर आर फाइव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माय फाइव मेन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये पांच जो है सो प्रमुख इनके गुण है। एक छठा गुण है मल्टीप्लिकेशन का, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स ओवर एडिशन। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रियल नंबर। लेट ए बी एंड सी आर थ्री रियल नंबर, ए बी सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स आर, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, एंड दिस इज ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ए जो है सो बट रहेगा बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो ए गुने बी
माइनस ए गुणी से, और ए का गुना दोनों के साथ होता है और इस तरह से ये टूटता है, जोड़ में भी ये लागू होता है और माइनस में भी लागू होता है। तो इसको हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं। अब रियल नंबर्स के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण गुण है जिनको हम लोग देख लेते हैं। सम मोर रियल्स ऑन रियल नंबर, इसमें है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ए पर रूट है, बी पर रूट है, तो गुना कर देंगे और बी, और दोनों पे रूट आ जाएगा। या फिर इसी का रिवर्स कर सकते हैं कि ए बी पे रूट है तो ए और बी को अलग अलग करेंगे तो रूट ए पर भी आएगा और बी पर भी आएगा। उसी तरह से रूट ए अपॉन रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बाई बी, और इसी को अगर हम अलग से लिख दें कि रूट ए बाई बी, तो दोनों पे रूट है तो इसको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, यानी रूट ए बाई रूट बी। इसका हम लोग प्रश्नों को हल करने में उपयोग करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। और इसके लिए हम लोगों को कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, बट वेरिफिकेशन होता है, तो आप सवाल के माध्यम से हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए रियल नंबर्स के, जो हमको आने वाले सवालों को बनाने के लिए मदद करेगा। तो मित्रों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और तैयार रहेंगे इसके अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।